पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य पर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में गुरुवार को विभिन्न पत्रकार संगठनों की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तालुका पत्रकार संघ की ओर से कमान गेट परिसर में गुरुवार को गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट वितरण कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। इस कार्यक्रम में पत्रकार संघ के पदाधिकारियों सदस्यों सहित पूर्व न्यायाधीश संतोष जायसवाल, तहसीलदार सुधाकर राठौर, सहायक पुलिस निरीक्षक विजय रतन पारखी, दिग्रस तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष सुनील हिरास, ग्रामीण पत्रकार संगठन अध्यक्ष लुकमान खान सहित समाजसेवी पत्रकार और नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर माननीय अतिथियों ने पत्रकारों को पत्रकार दिवस की बधाई दी। पत्रकार म्हणजे आपल्या भारताचा चतुर्थ स्तंभ। जे लेजिस्लेटिव, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशरी संपल्यानंतर जर कोणी सर्वात मोठी शक्ती असेल आपल्या देशात, तर ती ही पत्रकारिता आहे। कुणालाही प्रॉब्लेम असो, व्हेअर देर इज अ प्रॉब्लेम देर इज अ रेमेडी विथ दी पत्रकार। सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 न्यायाधीशांना जेव्हा प्रॉब्लेम केला तेव्हा त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स बोलून दुसरं काय नाही। तर तुम्हाला सांगतो, हे तुम्ही इतकी मोठी पॉवर आहे आणि ह्या पॉवरचा तुम्ही पॉवर इंजिन तुम्ही आहात। आजच्या परिस्थितीसुद्धा एक लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपण जो पत्रकारिता हा स्तंभ मानलेला असतो, तर पत्रकार बांधवांनी पण जो वारसा जोपासलेला आहे त्यांनासुद्धा मी त्यांच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांनीसुद्धा असंच त्यांचं कार्य सतत सुरू ठेवावं याबद्दल मी सर्वांना परत शुभेच्छा देतो। पत्रकार हे जनतेपर्यंत, नागरिकांपर्यंत चांगल्या गोष्टी पोहोचवण्याचं काम करतात। मी या पत्रकार दिनाच्या निमित्त सर्व ग्रामीण पत्रकार संघटनेचं मी आभार मानतो आणि मला या ठिकाणी जे मान सन्मान दिला आणि मला जे बोलवलं आणि बोलण्याची संधी दिली मी त्यांचे धन्यवाद। इसी तरह दिग्रस ग्रामीण पत्रकार संगठन ने भी शिवापुर गांव की प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को स्कूली साहित्य सहित बिस्किट आदि का वितरण किया। इस मौके पर दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर और महान महिला समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दिग्रस ग्रामीण पत्रकार और तहसील पत्रकार संघ के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दिग्रस से BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।